The popular actor Rohan Mehra, also known as Naksh from Ye Rishta Kya Kehlata Hai, shares his experience of giving auditions. I never shifted to Bombay before. तो मैं सिर्फ आता जाता रहता था यहाँ जब डायरेक्ट कॉल जाते थे एड्स के लिए या फिर कुछ चीज़ कोई भी चीज़ के लिए तो मैं ऑनलाइन ऑडिशन भेज देता था या फिर यहाँ फिर स्पेशली आता था कभी कभी पर कभी यहाँ पर रहा नहीं तो जो मेरा पहला ऑडिशन था वो जब मैं पहला ऑडिशन देने जब एक्चुअली जब मैं पहले बॉम्बे आया था 6 साल पहले तो मैंने कुछ 2-3 एड्स किए थे तो मैं वही लेकर आया था और मुझे लगा कि मैं सिर्फ 10-15 दिनों के लिए आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है तो पहला ऑडिशन मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली याद भी नहीं कि क्या था पर मुझे ये थोड़े थोड़े मेमोरीज है कि कुछ मतलब रैंडम ऑडिशन ही दिए मैंने और मुझे कुछ अच्छे से याद भी नहीं है पर कोई यूजलेस ऑडिशन थे सारे क्योंकि कोई भी कहता था कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ तो बॉम्बे में जब कोई नया आता है तो बहुत ही टफ होता है पर और हमें बहुत चीज़ें पता भी नहीं होती और हम बहुत सीरियसली देते हैं और बहुत फोकस करके ऑडिशन देते हैं पर पता चलता है बाद में कि कुछ था ही नहीं ऐसा वो बस ऐसे ही ले रहे थे टाइम पास कर रहे थे या पता नहीं मैं इसी के आपको एक बताता हूँ जब मुझे नक्श सिंघानिया का रोल ऑफर हुआ था तो तब सबसे पहले इन्होंने मुझे ही बुलाया था आई गेस जब शो शुरू होने से जब ये मेरा लीव शुरू होने से 4-5 मंथ्स पहले तो मुझे इन्होंने बोला कि किसी और कोई और नया शो आ रहा है तो उसका ऑडिशन है मुझे पता नहीं था कि नक्श का ऑडिशन है तो इन्होंने ऐसे तो क्योंकि अगर मुझे पता होता तो शायद मैं देता नहीं क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ नया करूँगा क्योंकि मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली थी बहुत चीज़ें थी तो मैंने जब दिया ऑडिशन तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बना 1-2 महीने बाद तो उन्होंने कहा कि ये शो है नक्श के लिए है और ये था वो तो फिर मुझे पता नहीं था कि मैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और जो भी है और उसके बाद उन्होंने मैं अमृतसर चला गया था वापस मैं किसी और काम के लिए आया था तो मैंने जब ऑडिशन देखे मुझे मैं वहाँ गया तो मुझे कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो और आपको मतलब कि आपको दोबारा आना पड़ेगा जो एक आखिरी लुक टेस्ट होता है मॉक शूट उसके लिए जो फाइनल होता है तो मैंने कहा स्पेशली मैं इतनी दूर से यहाँ पर आऊँगा तो मतलब मुझे कोई लगा नहीं कि मुझे आना चाहिए स्पेशली और फिर 3-4 महीने बीत गए उसके बाद भी और इसकी इतनी ऑडिशन चल रही थी 600-700 ऑडिशंस मतलब हो चुके थे नक्श के रोल के लिए सबने दिया था तो मैं फिर जब मैंने वैन अमृतसर तो आई गॉट अ कॉल यहाँ से किसी और शूट के डोकोमो का शूट था वो प्रिंट शूट तो मैं यहाँ पे बस डोकोमो का शूट करने आया था और मेरी फिर नेहा से बात हुई किसी तरह से मतलब कोई मैसेज आया था या कुछ तो मुझे पता चला कि अब इसकी ऑडिशन अभी भी चल रहे हैं तो मैंने नेहा से बात की कि मतलब मैंने तो तब दिया था ऑडिशन कभी तक चल रहे तो उसने कहा कि तू अभी आ जा अभी पहुँच जा प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू मीट यू तो मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और द नेक्स्ट डे मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया और फिर 10 दिन बाद मैं केप टाउन भी चला गया तो मतलब सब कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना लिखा होता है वैसा ही था मेरे साथ और मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच इज़ एवर हैपन टू मी मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है तो पता नहीं चलता कि लाइफ कैसे आपको घुमा देती है और सोचा नहीं था और एकदम से अब इसी में ही नक्श का रोल कर रहा हूँ और सब लोग बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ यू नेवर नो कि कैसे कब हो जाए तो आपको बस ट्राई करते रहना चाहिए ऑडिशन देते रहना चाहिए जिन लोगों से जो लोग आपको ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं आपको देना चाहिए ऑडिशन उससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और कुछ वेस्ट नहीं जाएगा आपको हमेशा इंप्रूवमेंट ही होगी कुछ मिलेगा ही आपको कुछ आप यू वोंट लूज एनीथिंग यू आल्सो आस्क्ड रोहन हाउ हैज ऑडिशंस हेल्प्ड हिम ऑडिशन से वैसे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि क्या है कि जब बॉम्बे में पहली बार आया था यहाँ पर कभी भी मैं किसी से बात करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कम अगर आप 100 ऑडिशन देते हो तो आपको पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी उसकी एक होती है कि अगर आप 100 ऑडिशन देते हो तो एक आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि इतने सारे ऑडिशन भी होते हैं और इतना सारा कॉम्पिटिशन भी है तो सबसे मैं यही सुनता था तो ऑडिशन भी मैंने भी बहुत दिए पहले तो उनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं क्योंकि नॉर्मल कैमरा फेसिंग आप सीखते हो उससे पहली बार तो जब आप देते हो फिर आपको लोगों के साथ जब आप ऑडिशन देते हो तो उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो कि वो कैसे ऑडिशन दे रहे हैं और क्या नया ट्राई कर रहे हैं और अपने जब और मैं तो खास करके पहले लोगों को देखता था और फिर अपना ऑडिशन बनाता था उनकी सबकी अच्छी चीज़ें लेके और अपना भी उसमें डाल के तो ऑडिशन से आप बहुत कुछ सीखते हो और हर किसी को मुझे लगता है कि ऑडिशन देने ही चाहिए आके थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए क्योंकि उसके बाद जब आपको कुछ चीज़ मिलती है तो आपको उसका ज़्यादा अच्छा एहसास होता है और आपको खुशी मिलती है कि आपने मतलब इतना स्ट्रगल किया और आपको काम मिला तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है बेसिकली जब ऑडिशन देने आप जाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है ब्रैकेट लिखी होती है एज का ब्रैकेट लिखा होता है और बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कि ऐसा ऐसी रिक्वायरमेंट्स है तो जैसे कई बार जैसे मेरे लिए तो ऐसा होता था कि जैसे टीनेजर ऑडिशन मेरा होता था कि जैसे 18-19-20 का देना होता था तो मैं ऐसे कपड़े पहन के जाता था कि टी शर्ट पहन के और ऊपर शर्ट की थोड़ा यंग लगने के लिए और अगर थोड़ा मैच्योर लगना होता था तो मैं जैसे बाइसेप्स मैं जब जिमिंग बहुत कर रहा था तो तब कच स्लीव पहन के या फिर वैसे जो टाइट मसल्स करके पूरे बाल्स वैसे करके तो बहुत चीज़ें होती है और जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना लुक करना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है
क्योंकि सबसे पहले वो लोग लुक देखते हैं और उसके बाद आपकी एक्टिंग और उसके बाद एड्स के अंदर तो यही होता है. उसके बाद अगर आप एक भाई लुक में अगर आप हो जाओ आप फिक्स, उनको लगे कि आप परफेक्ट जा रहे हो, तो उसके बाद एक्टिंग वो आपसे खुद ही निकलवा लेंगे. तो आपको पहले लुक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और जो ब्रैकेट आपको आता है आपको उसमें अपने आपको पहले डालना चाहिए कि ये चीज़ें मतलब आपको ट्राई करनी चाहिए उसके लिए कि बाइसेप दिखाने हैं कि क्या क्या करना है, बाल स्पाइक्स करने हैं कि चश्मा डाल के जाना है, बहुत चीज़ें जो होती है वो ऑडिशंस उसके लिए भी आपको ऑडिशंस पर जाना पहले ज़रूरी है, आपको फिर समझ में आएगा. We wish you best of luck for your future projects. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Karan Mehra and keep watching me on India Forums. Guys, keep watching WhatsApp TV.